वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत तुसी देख रहे हो दा पंजाब लाइव। अज आपां गलबात बहुत महत्वपूर्ण विषय ते करनी है। परमात्मा जी कहिंदे ने जेकर सुख लेना है तां भाई उद्यम कर, गुरु पास जावांगे तां सुख मिलेगा। जेकर गुरु दे बचना दी कमाई करेगा तां भाई तां सुख मिलेगा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह भी पवित्र फरमान दिंदे ने श्लोक महला पंजवां, उद्यम करेंद्यां जीव तू कमावद्यां सुख पुंच, ध्यायद्यां तू प्रभ मिल नानक उतरी चिंत। पातशाह कहिंदे ने सुख चाहिदे हन तां फिर उद्यम कर। एक मनुख रोज गुरु घर जांदा है ते दूजा उसनू सवाल करदा है, पुछदा है कि की करन जाना है, तां उत्तर आउंदा है कि भाई मैं सुख लैन जाना है। हुण जे उसकी दिनचर्या वेखीए तां अमृत वेले 2 घंटे गुरुद्वारा साहब ला के आउंदा है, रहिराज साहब दे समें शाम वेले गुरुद्वारा साहब जांदा है, 2 घंटे उस वेले भी ला के आउंदा आउंदा है, मत्थे टेक के बैठ के तुर जांदा है, घर वापस जाके घर विच परिवार विच बच्चों विच कमियां कढ़दा है, गुरु घर आके गुरु घर दे प्रबंध देख के उन्हां विच कमियां कढ़दा है, रस्ते विच कोई टक्कर जावे मिल पवे उन्हां दे विच कमियां कढ़दा जांदा है। ते इह कहिंदा कि मेरे वर्गे बणो, मैं गुरुद्वारा साहिब जाके 4 घंटे बैठ के आउणा, 4 छड्ड भाई फिर तू भावें 8 ला लै फिर तेरा भला होना संभव नहीं। पातशाह ने वेले रहन नूं पहल नहीं दित्ती, किरत करन नूं पहल दित्ती है। वेले बंदे गुरु पातशाह जी दे दर ते उन्हां दे दरबार दे विच प्रवान नहीं कीते जांदे। एक मनुख है जो कहिंदा है कि मैं गुरबाणी दा सुख लैन चलिया, गुरद्वारा साहब गया, मत्था टेकिया, बैठिया, कीर्तन कथा सरवण कीती, गुरबाणी सरवण कीती, गुरबाणी दी आवाज़ कन्नां विच पै रही है, गुरबाणी की कह रही है, उद्यम करेंद्या जीव तू कमाव दियां सुख पुंच, ध्याए दियां तू प्रभ मिल नानक उतरी चिंत। उन्हूं सोझी आ गई, वह समझ गया कि जे सुख लैना तो उद्यम करना पैना। जिथे मैं सवेरे 9 बजे उठ के किरत करनी शुरू करदा, हुण मैं 4 बजे उठांगा, अमृत वेले उठ के अमृत वेला सांभांगा ते फिर मैं किरत करांगा। अमृत वेले दी संभाल कीती, जल्दी उठना शुरू कर दिता, किरत आरंभ कर दिती, मेहनत करनी मैं शुरू कर दिती, तां परमात्मा दे दसे अनुसार मैनूं सुख भी मिल जाएगा। ते जे मैं गुरु घर जाके वेला बैठ के करिया कि मंजियां तोड़ियां फिर सुख मिलना संभव नहीं। पर जे परमात्मा दे दसे अनुसार अमृत वेला भी सांभिया, किरत भी कीती, जिंदगी दे विच आपे सुख साधन आउणे शुरू हो जाणगे, सुखां दे तरीके बन लग पैणगे, असासे बन लग पैणगे। इह तां पातशाह जी दे आउण दे कोल आउण दा लाहा इही है ना कि गुरु साहब ने किहड़ी गल दसी है उह साडे दिमाग विच पै गई है। गुरु साहब अगे हुक्म करदे ने, जो गुर कहे सोई भल मन हो, हर हर कथा निराली। जो गुर कहे सोई भल मन हो, हर हर कथा निराली। जो भी पातशाह जी ने कहा है उसनूं भला करके मनना, उसे दा पाणा मनना, तां ही अपना भला होवेगा। पर जे आपां गुरु घर जाके भी कमियां लभन लग पए तां फिर भला होना संभव नहीं जापदा। जेकर कोई कमी दिख रही है तां आपां उसनूं आप दूर कर दईए। सानूं सतगुरु जी ने हथ भी दिते ने, पैर दिते ने, दिमाग दिता है, कहदे लई? जे कितें कोई कमी पेशी दिसदी है उहदा आपां आप इनिशिएटिव लईए, आप उपराला करिए। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਐਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਛੁੱਪੇ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਾਂਜਾ ਚੱਕ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ? ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।
पर जे तू नितनेम कर रहे हैं तो उसका वाजा बजा रहे हैं रौला पा रहे हैं फिर ये कोई ना तेरा कोई फायदा है ना साडा कोई फायदा। गुरबाणी का तो ही फायदा ना जो गुरबाणी सानू कहती है जो परमात्मा जी ने संदेश दिता वह मान लिया उसनू आपां समझ लिया उस तो बाद आपां अमल दे विच लैंदा पला तो ही होगा। सो जे आपां अपने गरीबी दूर करनी है अपने घर परिवार की दूर करनी है तो बड़ा सरल तरीका है गुरद्वारा साहब जाइए नतमस्तक होइए जिहड़ा उत्थे रागी सिंह पाठी सिंह पाठ कर रहा है कीर्तन कर रहा है की कह रहा उहदी गल नूं सुनीए सब तो पहला सुन लिया फिर समझिए समझ के उहदे ते विचार करिए विचार करके उसनू जिंदगी दे विच अमल दे विच लैगे। जाहर जी गल है परमात्मा ने हर चीज़ सानू जीवन जांच के नाल संबंधित दसी है अपने आप नू उच्चा चुकन बारे अपना जिहड़ा व्यक्तिगत अपना जिहड़ा करैक्टर है उसनू उच्चा चुकांगे समाज में अपने आप नू उच्चा चुकांगे अपने कारोबारां नू अपने आंढ गुआंढ नू महल्ले नू हर चीज़ नू गरीबी जां बेरोजगारी जां इह सारियां पदार्थवादी चीज़ां ने पिछे रह जाणियां आपां बहुत अगे चले जाणा हर एक चीज़ जिसकी असी मंग रखी हुई है अपने आप साढ़े पिछे आने लग पवेगी कदों जदों गुरबाणी समझण लग पए। समझण की शुरुआत पहला सुनन तो करनी है यह नहीं कि जाके बैठ गए मन में कुछ होर चल रहा हो इस तरह नहीं जाके अपन जदों बैठना है सतगुर सच्चे पातशाह जी की ताबिया दे विच पहला तो वाहिगुरू 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 आपके मन नाल कहना है ताकि एक इनिशियल प्रोसैस कह सकते हैं शुरुआती दौर जिस दे नाल एकाग्रता बनेगी एकाग्रता बन गई फिर अपने कन्न खोल लेने ने दोवें कि जो रागी ढाडी जां कीर्तनिया सिंह जां पाठी सिंह जिस चीज़ का भी जाप कर रहा जां पाठ पढ़ रहा वह साढ़े खुले कन्नां द्वारा सानू सुन लग पवे। कई बार साढ़े कन्न खुले होंदे ने ध्यान किते होर हुंदा इस तरह ना होवे जदों असीं गल सुन लग पवे तां उस तों बाद गल साडी समझ विच आवे सानू पता लगे कि की कह रहे हैं ते तीजी गल असीं विचार करना है उसनू वह असीं घर आ के भी कर सकते हैं जिहड़ी गल पाठी सिंह ने कही उसका विचार घर आ के हो सकता है। अगली गल जदों विचार कर लिया फिर ये कोशिश होवे कि जिहड़े असीं अज चैप्टर सिख्या है जिहड़ा सतगुर सच्चे पातशाह जी का दस्या सबक सिख्या उसनू हुण अमल विच लैके आईए। कहन तो भाव बड़ी एक सरल उदाहरण है मान लो अज गुरु साहब ने अपना गुरुद्वारा साहब गए हैं मत्था टेकया तो जिहड़ा जिहड़ी उत्थे कथा हो रही सी उहदा जिहड़ा सार अंश सी उहदा जिहड़ा मेन मोटो सी उह इह सी कि आपां झूठ नहीं बोलना हुण आपां सुणा है आपां समझ भी तो लईए ना झूठ नहीं बोलना यह नहीं कि उत्थों सुणा है तो करिया कि आपां फिर अपना दिनचर्या वाला कम फड़िया उहदे विच झूठ भी बोली गए नहीं सुन के समझना भी है कि झूठ नहीं बोलना फिर उसनू विचार करके अमल में भी लिया कि नहीं बोलना तो भाव असी भी नहीं बोलना उतो जिहड़ा उपदेश से सारिया लिए साढ़े लिए भी नाल ही सी जो झूठ नहीं बोलना तो असी भी अज तो झूठ बोलना बंद कर रहे हैं। इस तरीके नाल जो उपदेश हो रहा है जो सतगुर सच्चे पातशाह जी सानू कह रहे हैं उन्होंने सुन के उन्होंने समझ के उन्होंने विचार विच लईए जिन्हें भी साढ़े ऐब ने दुख ने कट्टे जाएंगे जिन्हिया साड़िया मंगा ने सतगुरु जी के अगे डिमांडा ने आपे पूरिया होने लग पैणगियां।